मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सचलक्ष ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एमएस ऑफिस सीरीज का एक कोर्स चल रहा है और जिसमें अब तक हमने काफी कुछ कर लिया है। फिलहाल हमने लास्ट वीडियो में एक्सेल खत्म कर लिया था। अगर आपने मेरी पहले चैनल के वीडियोज को नहीं देखा है तो जाकर पहले पिछली वीडियोज को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या कोर्स किया है, किस ऑर्डर में किया है और मैंने कोर्स में अब तक क्या क्या बता दिया। फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैंने आपको एमएस ऑफिस के कोर्स में काफी कुछ बताया, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको विंडोज बताया था, देन मैंने आपको नोटपैड, फिर वर्ड पैड, फिर एमएस पेंट, ये सारी चीजें बताते हुए मैं विनवर्ड और एक्सेल को खत्म करके फिलहाल अभी पावर पॉइंट पे आ चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है बिल्कुल एमएस ऑफिस कोर्स के नाम से। उस प्लेलिस्ट में आप जाइए, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट कीजिए और नीचे से स्टार्ट करते हुए एमएस ऑफिस कोर्स के इंट्रो वाली वीडियो से, एमएस ऑफिस कोर्स के इंट्रो वाली वीडियो से आप स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे आगे आइए, ऊपर की तरफ आइए और ऊपर से आते हुए आप एक एक वीडियो को देखते रहिए तो ऑटोमेटिकली आपको कोर्स समझ में आएगा। और वो वीडियो मेरे चैनल के, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना होगा तो टॉप पे आपको फ्रंट में ही मिलेगी वीडियो। तो आशा करता हूँ समझ में आएगा, आप मेरे चैनल पे आएंगे आते आपको सबसे टॉप पे फ्रंट में जो वीडियो एमएस ऑफिस कोर्स के इंट्रो की मिलेगी उस वीडियो को चला लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि किस ऑर्डर में कोर्स को मैं करा रहा हूँ। तो चलिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पावर पॉइंट, और पावर पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले पावर पॉइंट होता क्या है, हम क्यों करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर हम कोई भी चीज करते हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि पावर पॉइंट का या जो भी चीज हम कर रहे हैं उसका यूज क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पावर पॉइंट एक बहुत ही अमेजिंग और मजेदार सॉफ्टवेयर है जिसको सीखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और इसका यूज भी है। यूज ये है दोस्तों कि अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहां पे कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, उसके लिए विनवर्ड या एक्सेल की हेल्प से आप जो भी उसमें वर्क करते हो वो तैयार करते हैं। लेकिन उसके बाद उसको जब प्रेजेंट करना होता है, यानी उसको जब पेश करना होता है बॉस के सामने प्रोजेक्ट को, तो आप यूं ही ले जाके नहीं दे सकते। जैसे अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो गिफ्ट आप डायरेक्टली यूं ही ले जाके आप उसको नहीं पकड़ा देंगे उसके हाथ में, हाँ भाई ये गिफ्ट है आप इसको रख लो। ठीक है, अगर आप किसी के बर्थडे पार्टी में या वेडिंग में या कहीं पे भी गिफ्ट देते हैं तो उसको अच्छी तरीके से रैप करके किसी पन्नी में चिटफिट लगा के नाम वाम लिख के प्रॉपरली सजा के देते हैं आप। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से आपका एक्सेल और विनवर्ड में आप जो काम करते हैं एमएस ऑफिस के अंदर ऑफिसेज में, उन सारे काम को प्रेजेंटेशन यानी प्रेजेंट करने का काम जो होता है वो पावर पॉइंट करता है। इसलिए पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन भी बोला जाता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी। जैसे एक्सेल को आपका एक स्प्रेडशीट बोला जाता है बिकॉज उसमें कैलकुलेशन के वर्क होते हैं, ठीक इसी तरीके से आपका जो पावर पॉइंट होता है उसमें प्रेजेंटेशन के वर्क होते हैं, इसलिए इसको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगर आप अभी तक भी नहीं समझ पाए तो मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ कि हम पावर पॉइंट में क्या करने वाले, क्या सीखने वाले, तो आशा करता हूँ उसके बाद आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। हालांकि ये पावर पॉइंट का एक जस्ट नमूना है, इसके अलावा हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, फिर भी आज के वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ मैं इसका थोड़ा सा डेमो आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। ग्री ड्राइव में मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्रेजेंटेशन बना के रखी हुई है। पहली प्रेजेंटेशन हमारी ये है ब्लिंकिंग स्टार की। ठीक है, इस प्रेजेंटेशन का नाम है ब्लिंकिंग स्टार, नोट डाउन कर लेंगे। और F5 अपने कीबोर्ड से F5 फंक्शन की में जो 5 नंबर की बटन होती है उसको दबाएंगे F5, और दबाते के साथ ये देखिए स्टार ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया। ये कुछ अमेजिंग सा बहुत ही अच्छा लगेगा आपको अगर आप बनाएंगे तो। फिलहाल तो देखने में अच्छा लगेगा लेकिन बनाने में और अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए। और दूसरा प्रेजेंटेशन में कोशिश करूंगा इसी वीडियो में बताने की। आपने देखा होगा कि जो हम पौराणिक धारावाहिक देखते हैं रामायण महाभारत वगैरह, तो उसमें भगवान के पीछे एक चक्र सा आता है, ठीक है, जो कि उनके इंद्रियों की जागृत होने की सूची देता है, हमें सूचना देता है। तो इस चीज को हम बना सकते हैं यहाँ पर, F5 अगेन प्रेस करेंगे। ठीक है, अगर आपको F5 प्रेस नहीं करना है तो दोस्तों यहाँ पे भी ऑप्शन होते हैं, आप एनिमेशन वगैरह में भी जाके इसको प्रीव्यू वगैरह कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप फिलहाल यहाँ से ना करें, आप डायरेक्टली यहीं से कस्टम एनिमेशन में प्ले ना करें, डायरेक्टली यहीं से प्ले करें। तो F5 सबसे शॉर्टकट की है, सबसे आसान है, मैं फिलहाल उसी से बता रहा हूँ। F5 प्रेस करते ही देखिए इस तरीके से कुछ, वाओ मजा आ रहा है ना देखने में दोस्तों। तो ठीक, यही चीज हम सीखने वाले हैं, ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपको आगे के वीडियो में और अमेजिंग चीजें देख पाऊँ, लेकिन फिलहाल आज पहली वीडियो तो थोड़ी हल्की फुल्की चीजें ही सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्केप की से बाहर आते हैं, जो कोने में आपकी कीबोर्ड की ESC एस्केप की होती है वहां पर आप एस्केप का बटन दबाएंगे तो इससे आप बाहर आ सकते हैं, ठीक है। और F5 से बार बार बोल रहा हूँ, आप इसको प्रेजेंटेशन को चला सकते हो। तो F5 से हम प्रेजेंटेशन को चलाते हैं दोस्तों, इस तरीके से कुछ रन कर जाती है और एस्केप के बटन से हम बाहर आ जाते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट खोलने के ऑप्शन पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पावर पॉइंट खोलते कैसे हैं। इससे पहले हमने क्लोज किया इसको, क्लोज करने के बाद मैं आपको पुराना तरीका आपको याद दिलाना चाहूंगा। याद है अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर को खोलने के मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए दोस्तों, लेकिन सबसे पहला तरीका और सबसे फेवरेट तरीका, जो सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है, वो है रन का डायलॉग बॉक्स। तो रन के डायलॉग बॉक्स में किसी भी सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का नाम या निकनेम टाइप करना पड़ता है, तो यहाँ भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। सबसे पहले विंडो की के साथ आर का बटन दबाएंगे दोस्तों और वहां पे टाइप करेंगे पावर, ठीक है, POWER और PNT, ठीक है, पावर PNT, पावर PNT टाइप करने के बाद आपको टाइप करना है, मतलब क्लिक करना है कीबोर्ड पे अपने एंटर का बटन या फिर यहां से ओके पे प्रेस कर देंगे माउस के,
और इस तरीके से पावर पॉइंट आपके सामने कुछ खुला हुआ आ जाएगा। यहाँ पे लिखा आएगा प्रेजेंटेशन वन, बिकॉज इसको हमने सेव नहीं किया, लिखा आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगर ये सेव होता तो सेव नेम से आता, क्योंकि ये टाइटल बार है, ये आपका ऑफिस बटन है। आपको मैंने दोनों ही सॉफ्टवेयर में विनवर्ड और एक्सेल में बताया था कि ये सब में ही मिलेगा, जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर है। ये आपके मेन्यूज है, आशा करता हूँ ये भी आप ज्यादातर ऑप्शन इनमें से आपको आते ही होंगे व्यू वगैरह में, बट फिर भी जो नहीं आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि एक्सेल में और विनवर्ड में अगर आप करके आए हो, मेरी पिछली वीडियोस को देख के आए हो, आपने पूरा प्लेलिस्ट देखा हुआ है, तो उसमें आपको ये सब चीजें ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें कवर अप हो रखी होंगी, ज्यादा आपको इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली पावर पॉइंट स्टार्ट किया है तो फिर आपको पावर पॉइंट स्टार्टिंग से एक बार मैं जो चीजें बताऊंगा एक एक चीज आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा साथ में दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ब्लिंकिंग स्टार बनाना सिखाता हूँ, जो प्रेजेंटेशन हमने स्टार को ब्लिंक करवाने की दी थी। तो सबसे पहले इसको खोलने के साथ ही, ठीक है, और खोलने के लिए भी मैंने आपको तरीका बताया था, विंडो की के साथ आर का बटन दबाएंगे, इस तरीके से रन का डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ पर टाइप करते हैं पावर पीएनटी, ठीक है। हालांकि ये इकलौता तरीका नहीं है, आपके सामने इस तरीके से पावर पॉइंट खुल जाएगा, आप इसको टाइप कीजिए और टाइप करने के बाद आप यहाँ से ओके से प्रेस कर दिया, ये आपके सामने ठीक पावर पॉइंट खुल गया जाएगा, ठीक है। और इतना होने के बाद आपको अगर समझ में आ गया तो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट पे गए, यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं, इस सर्च बॉक्स में भी क्या टाइप करना है, सेम पावर, ठीक है, पावर पी एन टी, पावर पॉइंट आपके सामने यहाँ पे शो ऑफ हो जाएगा, क्लिक करेंगे इसे माउस से और ये इस तरीके से पावर पॉइंट खुल जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके दोस्तों, अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर को बार बार खोला हुआ तो मैंने आपको कई बार बताया था, यहाँ पे आपके सामने विजार्ड में भी आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे जो आपने ऑलरेडी काम किए हुए हैं जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह खुले वहां पे भी आ जाता है। अदरवाइज आप यहाँ से जाके एमएस ऑफिस का वो पूरा ले सकते हैं पैकेज, उसमें भी आपको मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये पैकेज है, इसमें जाइए आप और यहाँ पे एमएस ऑफिस में देखिए आपकी पावर पॉइंट आपको कहाँ मिल रहा है, पावर पॉइंट एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है 2007, इस पे क्लिक कर दीजिए, क्लिक करते पावर पॉइंट इस तरीके से भी खोल सकते हैं। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे दोस्तों खोलिए, मुझे रन के डायलॉग बॉक्स के थ्रू खोलना ज्यादा आसान लगता है क्योंकि इससे डायरेक्टली खुल जाता है, बहुत ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है, ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट लगता है और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसी तरीके को फॉलो करें, ये एक प्रोफेशनल तरीका है किसी भी सॉफ्टवेयर को खोलने का। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ा सा आगे पावर पॉइंट में। पहला प्रेजेंटेशन बनाने के लिए स्टेप नोट करके रखिएगा दोस्तों, एक एक राइट क्लिक करेंगे, सबसे पहले स्लाइड होती है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी स्लाइड लाने के लिए कंट्रोल एम, यानी न्यू स्लाइड लाने के लिए कंट्रोल एम, एम फॉर मंकी बटन प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा आपकी स्लाइड का। डिलीट करना तो इस पर सिंपली राइट क्लिक करिए, जहां पर डिलीट स्लाइड का ऑप्शन होता है, ठीक है, न्यू स्लाइड लेने के लिए यहाँ से भी राइट क्लिक करके भी ऑप्शन आता है, न्यू स्लाइड पर क्लिक करते ही इस स्लाइड पे राइट क्लिक करेंगे, मैंने बोला ना जब भी राइट क्लिक बोलेंगे तो राइट क्लिक ही करना है अपने माउस का, ठीक है, यहाँ से न्यू स्लाइड ले सकते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड भी ले सकते हैं, यानी जैसे आपने स्लाइड बनाई है उसका जस्ट एज इट इज डुप्लीकेट लेना, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, तो मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल। डुप्लीकेट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कंट्रोल डी की शॉर्टकट की होती है, ठीक है, डुप्लीकेट स्लाइड करने के लिए, अदरवाइज मैं फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ। पब्लिश भी कर सकते हैं स्लाइड को, ये सारे ऑप्शन हैं, एक एक करके हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ लेआउट का भी ऑप्शन होता है, लेआउट से आप ब्लैंक लेंगे किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। फिलहाल मैं चाहूंगा दोस्तों स्टिक टू द पॉइंट, जितना मैं करा रहा हूँ अभी फिलहाल आप इतना फॉलो करें, पूरा कोर्स कराने वाला हूँ मैं और डिटेल में कराने वाला हूँ, तो कराऊंगा मैं सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि एक वीडियो में मैक्सिमम मैं 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट जितनी भी वीडियो तो उतना ही कंटेंट बता सकता हूँ। उसके बाद भी बच्चे कई बोलते हैं कि मतलब सर आपकी वीडियोस लंबी है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियोस और ज्यादा छोटी बनाऊं, बट दोस्तों वीडियोस में अगर कंटेंट प्रोवाइड करना है तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा टाइम तो लगेगा और आपको भी पेशेंस करके पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बस यही दरख्वास्त करना चाहूंगा कि बी पेशेंट, थोड़ा सा आराम से धैर्य से पूरी वीडियोस को देखिए, आपको वीडियोस काफी अमेजिंग लगने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले पहला प्रेजेंटेशन बनाने के राइट क्लिक करेंगे, स्लाइड यहाँ पे ऑलरेडी होती है जब आप पावर पॉइंट खोलते हैं, राइट क्लिक करेंगे इस पे और यहाँ से लेआउट में जाएंगे, आपके किसी भी तरह का लेआउट हो सकता है इनमें से, लेकिन आपको ये ब्लैंक वाला देना है, ठीक है, ले लिया आपने, इस पे कोई डिजाइन डाल लीजिए जो डिजाइन आपको अच्छा लगता है, हालांकि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है आपको डिजाइन डालना है, बट मैं एक डिजाइन डाल लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, जो भी डिजाइन आपको अच्छा लग रहा है ये डिजाइन इस तरीके से डाल लीजिए। डालने के बाद इंसर्ट में आइए, शेप में आइए, यहाँ से लीजिए कोई भी शेप, स्टार या फिर आप किसी तरह की कोई और शेप ले सकते हैं, जैसे यही काम सेम सन के साथ भी हो सकता है इस वाले के साथ, ठीक है, शिफ्ट के साथ खींचेंगे तो शेप बिल्कुल इक्वल आएगी, यानी उसका जो रेशियो है लेंथ और ब्रेथ का वो बिल्कुल सेम आएगा, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों की इक्वल आएगी। अगर आपको किसी भी शेप को लेना है तो आपको पहचान ये देखनी पड़ेगी कि उस शेप के अंदर, उस पर्टिकुलर शेप के अंदर, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, उस पर्टिकुलर शेप में ये येल्लो जो आप देख रहा है, ये येल्लो जो एक स्क्वायर टाइप या डॉट बना हुआ, ये डॉट होना मस्त है दोस्तों, ये डॉट नहीं होगा तो आप इसी से खींच के चीजों को छोटा और बड़ा करेंगे, अगर आप इससे बाहर की तरफ खींचते हैं तो चीजें बड़ी होंगी, अगर आप अंदर की तरफ खींचते हैं माउस को दबा के अपने तो ये चीजें छोटी होंगी, ठीक है। माउस को मैंने दबा रखा है, ठीक है, लेफ्ट बटन को, और मैं इसको बाहर की तरफ खींच रहा हूँ तो ये बड़ी हो रही है, और अगर मैं राइट यानी अंदर की तरफ खींच रहा हूँ तो ये छोटी हो रही है। सेम काम हमें करना है किसके साथ, स्टार के साथ। तो इंसर्ट में आएंगे, यहाँ पे जाएंगे शेप में, और मैं एक बार स्टार ले रहा हूँ, आप सन के साथ यहाँ से भी कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं आपको स्टार के ऊपर नीचे बता रहा हूँ, सन यहाँ पे आ गया है,
क्योंकि हमने रिसेंटली लिया था उसको, स्टार में आप जाके स्टार को ले लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले क्या बताने वाला हूँ दोस्तों, स्टार लेके उसका प्रेजेंटेशन बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार कहाँ पे हमें ढूंढना है, तो स्टार हमारा इसके अंदर मिलेगा, हमारे को चाहिए था ये वाला स्टार, ठीक है। लिया हमने, शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे, बार बार बोला शिफ्ट का बटन दबा के रखेंगे और तब माउस से इसको खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है, राइट साइड में, और खींचते ही कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो एक अलग से फॉर्मेट का मेन्यू आएगा। मैंने विनवर्ड और एक्सेल में आपको बताया भी था कि जब भी हम शेप लेते हैं और शेप सेलेक्टेड होते हैं तो फॉर्मेट का एक मेन्यू अलग से आता है, ठीक है दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं इसमें कुछ कलर आ रहा है, फॉर्मेट के मेन्यू में जाइए, जो कलर आपको चेंज करना है, ठीक है, वो कलर आप ले सकते हैं। फिलहाल मेरे को ये कलर ठीक लग रहा है, या फिर मैं व्हाइट भी ले सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है, देखिए ये, ठीक है। आप इस तरीके से भी डुप्लीकेट कर सकते हैं, एज डुप्लीकेट स्लाइड आ गए, या तो फिर आप कंट्रोल डी करके भी इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। इस स्लाइड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल डी, और अगर आपको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके डिलीट, ठीक है, या फिर सिलेक्ट कीजिए और सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए शिफ्ट के साथ डिलीट का बटन, ठीक है। सिलेक्ट कीजिए स्लाइड को, फिर से बता रहा हूँ, और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के रखिए और डिलीट के बटन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आना तो आप माउस से ही कर लें, ठीक है। तो मैं करने वाला हूँ कंट्रोल डी दबा के स्लाइड पे, देखिए स्लाइड सिलेक्टेड है, ठीक है, इस स्लाइड पे कंट्रोल डी किया मैंने और सिलेक्टेड है, कैसे पता होगा, यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर में हाईलाइट हो रही है, ठीक है, डुप्लीकेट आ गई। डुप्लीकेट आने के बाद इस पर्टिकुलर शेप पे आने, शेप पे आने के बाद इसको हल्का सा इस येलो डॉट को पकड़ के अंदर की तरफ खींचना है इस तरीके से, तो ये शेप छोटी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। फिर हम कंट्रोल डी करते हैं, फिर थोड़ा सा हम अंदर आते हैं तो ये शेप थोड़ी सी और छोटी हो जाएगी, फिर हम कंट्रोल डी करते हैं, ठीक है। हालांकि इस दौरान आप अपने कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं एक एक स्लाइड पे जाके, या तो फिर आप इकट्ठे भी चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल डी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद हम थोड़ा सा और अंदर लेंगे इस तरीके से, तो ये शेप थोड़ी सी और छोटी हो जाएगी, ठीक है। और अब इसके बाद ये काफी छोटी हो गई तो हम इसको बाहर की तरफ धकेलेंगे इस तरीके से, देख रहे हैं इस तरीके से, तो ये थोड़ी बड़ी हो गई। फिर कंट्रोल डी करेंगे दोस्तों तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, फिर कंट्रोल डी इस पर्टिकुलर यहाँ पे करना है, कंट्रोल डी यहाँ करना है, और जो भी चेंजेस करेंगे डॉट को पकड़ के सेलेक्ट करके वो यहाँ पे करेंगे इस जगह पे, ठीक है। तो आशा कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे, सिलेक्ट करेंगे इसको, अंदर की तरफ खींचेंगे यहाँ पे, और इस पे आगे कंट्रोल डी, इस पर्टिकुलर स्लाइड पे आगे कंट्रोल डी, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा अंदर लेना है तो आप अंदर ले सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से करते हो आपको, जब तक आपको ठीक लगता है आप करिए, हालांकि बहुत ज्यादा मत करें, इतना करें कि मतलब देखने में अच्छा लगे, एक आइडिया करें, 15-20 स्लाइडर्स बहुत हैं इसके लिए, ठीक है, मैक्सिमम 25-30 तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा आप करेंगे तो फिर वो आपके लिए वेस्ट ही है, ठीक है। हालांकि जितनी ज्यादा स्लाइड होती है और जितना स्लोली स्लोली ये काम करेंगे, जितना धीरे धीरे छोटा और जितने धीरे धीरे बड़ा करेंगे, उतना ज्यादा ये रियलिस्टिक लगेगा, उतना ज्यादा ये अच्छा लगेगा। ये करने के बाद अगर आपका मन करता है तो आप पर्टिकुलर स्लाइड्स पे जाके, जैसे इसका कलर फॉर्मेट में जाके व्हाइट है, किसी दूसरे का कलर आप इस पे सेलेक्ट करके सेल को मतलब शेप को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ आके आप इसका कलर थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, जो भी कलर आपको ठीक लगता है, जैसे आपने यहाँ से अगले को ले लिया ऑरेंज कलर में, ठीक है, इस तरीके से, या फिर यहाँ से नहीं लेना है तो ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं, आप शेप फील में जाके यहाँ से भी ले सकते हैं जो कलर आपको ठीक लग रहा है, ठीक है, ऐसे ले लीजिए। तीसरे साइड पे आइए, शेप को सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में जाइए, शेप फील में जाइए, यहाँ से फिर कुछ ले लीजिए, ठीक है, जो भी आपको ठीक लग रहा है आप उस कलर में लीजिए। तीसरी पे आइए आप, शेप को सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में जाइए और यहाँ से शेप फील ले लीजिए, ठीक है, जो भी शेप फील आपको अच्छी लग रही है वो शेप फील आप ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिलहाल मैं थोड़ा सा चेंजेस करने के मूड में हूँ तो मैं इतना ज्यादा नहीं करने वाला हूँ शेप चेंज, ठीक है, थोड़ा सा एक आध शेप और मैं चेंज करूंगा, बस इतना बहुत है हमारे लिए, आज के लिए इतना बहुत रहेगा फिलहाल, कितने कलर में चेंज कर। अब पहली स्लाइड पे आइए, ठीक है, चलाने को ये अभी भी चलेगा लेकिन इस टाइम आपको थोड़ा रियलिस्टिक नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए कोई भी चीज जब पूरी बन के तैयार हो जाती है ना तो वो देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसको बनाने में जो मेहनत लगती है ना उसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है दोस्तों। तो मैं बार बार आपसे ये अपील कर रहा हूँ कि वीडियोस को पूरा देखिए, कोशिश करूंगा आपके लिए जितना कम से कम टाइम में बना पाऊं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा टाइम लगता है तो आप प्लीज रिटेंशन अपनी बनाए रखिए, यहाँ पर रुकिए और थोड़ा सा देखिए पेशेंसफुली कि किस तरीके से बन रहा है। यहाँ तक होने के बाद आप मैं डायरेक्टली बताना चाह रहा था कि अभी हमने कुछ नहीं किया, बस हमने शेप को सिलेक्ट किया है, यहाँ पर जाके उसको छोटा बड़ा किया है, डॉट को सिलेक्ट करके अंदर बाहर की तरफ ऐसे करके, और यहाँ पर आके हमने उसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके इतनी सारी स्लाइड ले ली। स्लाइड नंबर 12 पे हम इसको थोड़ा सा और आप कलरफुल करना चाहें तो कलरफुल कर सकते हो, आपकी मर्जी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस भी कलर में लेना चाहे वो आपकी मर्जी है, बस शेप को सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट मेन्यू में जाइए, शेप फिल में जाइए, जो भी कलर आपको लेना है वो कलर आप ले सकते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद कंट्रोल डी से डुप्लीकेट स्लाइड आती है, मैंने बताया, ठीक है, बिल्कुल डुप्लीकेट आ रही है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, हम स्लाइड पे आई वाली, और जिस स्लाइड को आपने सेलेक्ट किया होगा वो ऑरेंज कलर में यहाँ हाईलाइट होगी, ठीक है। शेप को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में जाके, ठीक है, फॉर्मेट मेन्यू में गए और यहाँ से थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे, इस बार हमने थोड़ा सा येलो की जगह ये कलर दे दिया, ठीक है। फिर कंट्रोल डी और लास्ट स्लाइड है, इतना मेरे ख्याल से बहुत है, 14 स्लाइड बहुत है समझने के लिए,
शेप फिल में गए और यहां से इस बार मैंने थोड़ा सा ये कलर दे दिया, ठीक है। इतना करने के बाद हमारे पहली स्लाइड पे, और यहां से बाद अगर हम चाहते हैं F5 प्रेस करें, ठीक है दोस्तों, F5 प्रेस किया तो ये जैसे ऐसा आएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक नहीं चल रहा है, ये मैनुअल चल रहा है। मैनुअल का मतलब आप कीबोर्ड से अपने एरो का बटन दबाइए, ठीक है, राइट एरो लेफ्ट एरो कोई भी दबाइए, राइट एरो से आगे बढ़ेगा इस तरीके से, या फिर अपने आप माउस से लेफ्ट बटन को क्लिक करिए, इस तरीके माउस से क्लिक कीजिए तो ये कुछ ऐसे चलेगा। लेकिन इसमें मजा नहीं आ रहा दोस्तों, ठीक है, स्लाइड खत्म भी हो जा रही है, एक ही बार प्ले हो रही है, मजा नहीं आ रहा। तो यहाँ पर एनिमेशन में पहली स्लाइड पे जाइए, पहले तो पहली स्लाइड पे ऐसे क्लिक कर लीजिए, सिलेक्शन दिखा देगा आपको ऑरेंज कलर में पहली स्लाइड का। एनिमेशन में जाइए, यहाँ से ऑन माउस क्लिक जो था इसके साथ ही ऑटोमेटिकली पे भी टिक लगाइए, फिर ये माउस क्लिक करने से भी चलेगा और ऑटोमेटिकली भी चलेगा। और अगर आपको एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड के बीच में चलाने के लिए थोड़ा गैप देना है, टाइमिंग देनी, तो आप दे सकते हैं। फिलहाल मुझे चाहिए कि एक के बाद दूसरे डायरेक्टली चल जाए, कोई भी टाइम का गैप ना हो। आप देख पा रहे हैं, अगर टाइम का गैप बढ़ाना है तो यहाँ से आप गैप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से करेंगे कम। और इतना करने के बाद अप्लाई टू ऑल, ठीक है, अप्लाई टू ऑल करने के बाद अब आप इसको F5 अगर प्रेस करते हो तो चलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार चलेगा F5, ये देखिए एक बार चला और बंद हो गया। उसका रीजन है कि हमने इसमें लूप नहीं लगाया, लूप मतलब लगातार हमने इसको चलाने के लिए बोला नहीं, हमने बोला कि सिर्फ थोड़ी देर चलाओ इसके बाद बंद कर दो। तो यहाँ पे आएंगे दोस्तों स्लाइड शो में, सेटअप, यहाँ से जाएंगे लूप में और यहाँ से करेंगे ओके। ओके करते हैं, आप देखेंगे F5 से अब ये लगातार चलेगा, देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा ना, काफी अच्छा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमें सजेशन भी दे सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं, आपने मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देखी है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हमारा एमएस ऑफिस कोर्स का पूरा एक सीरीज चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। एमएस ऑफिस कोर्स के सीरीज को प्लेलिस्ट मेरा दिया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जाइए नीचे से बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करिए और एक एक वीडियो आप देख सकते हैं, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।